अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं आज फिजिक्स का चैप्टर 6 का सेकंड टॉपिक, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा एनर्जी के बारे में जान लेते हैं कि एनर्जी क्या है। स्टूडेंट्स, एनर्जी जो है इट इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। अब इस वर्ड पर अगर हम गौर करें तो हमें इसकी छोटा सा इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज दी एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। अब बात अगर हम इस स्टेटमेंट की करें, ठीक है, तो हमें ये बात समझ आती है कि जिस बॉडी के पास एनर्जी होगी उसी के अंदर काम करने की सलाहियत होगी, वो कोई ना कोई काम करेगी बॉडी। ठीक है, सबसे पहले अगर आप अपने आप से स्टार्ट लें, एज ए ह्यूमन बीइंग हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट, डिनर, और ये हम क्यों लेते हैं, फूड वगैरह क्यों लेते हैं, टू टेक द एनर्जी। अब एनर्जी लेकर हम क्या करते हैं, एबिलिटी आती है हमारे अंदर काम करने की सुबह से लेकर शाम तक। क्लियर? अब ऐसा है कि आप एनर्जी लेते हो, फूड्स लेते हो, अगर आप कई सौ 100 मीटर तक या फिर आप 1 किलोमीटर तक अगर मुसलसल भागते रहे, ठीक है, तो आप क्या फील करते हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम यू आर गेटिंग टायर्ड, आपको थकावट महसूस होती है, बिकॉज व्हाट, जितना एनर्जी आपने लिया था उसी एनर्जी के इक्वल आप वर्क कर रहे हैं, और टाइम टू टाइम वो एनर्जी जो आपने टेक की थी उतना ही वर्क कर रहे हैं, बट वो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, यूज हो रही है, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग टायर्ड, यू आर गेटिंग टायर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्लियर? तो हम ये देखते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर जो काम होता है वो किसके बराबर होता है, एग्जैक्टली उस एनर्जी के बराबर होता है जो एनर्जी टेकन होती है। ठीक है, जितनी एनर्जी हम देते हैं किसी बॉडी को उसके अंदर उसी एनर्जी का बराबर एबिलिटी आता है काम करने का। ठीक है, सही है, यानी कि हम डिफरेंट एम्प्लाइसिस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर किसी कंडक्टर को ले लें, इलेक्ट्रिकल चीज को ले लें, तो क्या होता है कि उसको जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है उसके अंदर उतना ही कैपेबिलिटी आता है काम करने का, वो भी एनर्जी लेता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टेक करने के बाद उसमें एबिलिटी आता है काम करने का। फैन ले लें, लाइट ले लें, मोटर ले लें, दे टेक एन एनर्जी, ठीक है, एंड दे कन्वर्ट दिस एनर्जी एंड दे फॉर्म, दे डू वर्क By getting this energy. So, हम फिर एनर्जी को क्या बोलते हैं, एनर्जी एक एबिलिटी है काम करने का। अब इसी एनर्जी की फर्स्ट स्टेप्स हमारे पास आती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आती है। अब काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसी एनर्जी जो पासिस्ट की जाती है किस चीज से, किसी बॉडी के अंदर, किस चीज की वजह से, उसके मोशन की वजह से, उसके हरकत की वजह से। ठीक है, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी की मिसाल वंस अगेन अगर हम अपने आप से स्टार्ट लें तो हम क्या करते हैं, हम सुबह आप बीइंग अ स्टूडेंट ब्रेकफास्ट कर आते हैं, आप स्कूल आते हैं, सबसे पहले आप नाश्ता करते हो, यू टेक योर एनर्जी, व्हाई, टू डू वर्क। बट यहां हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि वो एनर्जी जो पोजेस्ट करेंगे आप काम करने के लिए, मोशन के लिए, फॉर मोशन टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इन मोशन, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जिसको मोशन में लाया जाए, ठीक है, उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस की जाए और उसके बाद वो काम करे, ऐसी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। अब अगर आपने बड़ी बड़ी आबशारें देखी हो जो ऊपर से आती हैं, हाइट से आती हैं, अब वो जो रनिंग वाटर होता है आप देखें, उसको हम टर्बाइंस और इसके अलावा इलेक्ट्रिक जनरेटर को रन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं रनिंग वाटर से जो फॉल करता है किसी
हाइट से रनिंग वाटर जो होता है, ठीक है, यानी हम उसे काम लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा रनिंग बसेस, रनिंग व्हीकल्स, रनिंग मोटर्स, रनिंग बाइक्स, ये सब के सब एनर्जी टेक करते हैं। कहाँ से टेक करते हैं? फ्यूल से टेक करते हैं। डीजल से चलने वाला ऑटोमोबाइल व्हीकल डीजल से लेता है एनर्जी, और बर्निंग ऑफ फ्यूल से एनर्जी लेता है, उस एनर्जी के बाद उसको वर्क में कन्वर्ट करता है, और कई सौ किलोमीटर तक वो क्या करता है, वर्क करते हुए रनिंग करता है, उससे मोशन आती है। तो हम क्या करते हैं कि जो रनिंग, जितने भी रनिंग चीज़ें हैं, जितनी भी मोशन वाली चीज़ें हैं, बेशक वो आप मोशन ऑफ पार्टिकल्स की बात ले लें सॉलिड बॉडी के अंदर, आप मोशन ऑफ पार्टिकल्स के लिक्विड के अंदर बात ले लें, गैसेस के अंदर बात ले लें, जो भी चीज मोशन में है, इट शुड हैव अ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी दी गई है, उसे हम जो एनर्जी पोजेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है, वो मोशन प्रोड्यूस करने, उसे हमने काम क्या लेना है, मोशन प्रोड्यूस करना है बॉडी के अंदर, जो कैपेबिलिटी लेनी है, जो एबिलिटी सलाहियत हमने बॉडी के अंदर डालनी है, वो मोशन की लेनी है। तो इसलिए जो एनर्जी उसको पोजेस्ट करवाई जाएगी किसी भी बॉडी को, वो कौन सी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी होगी टू प्रोड्यूस अ मोशन, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट तरह की एनर्जी टेकन की जाती है और उसे हम डिफरेंट काम लेते हैं, ठीक है। तो हम काइनेटिक एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन के लिए अगर हम एक जस्ट एक और एक एग्जांपल ले लें, उससे पहले कि आपने अगर कोई कुल्हाड़े पकड़ा हुआ हाथ में और आप वुडन पीस को काट रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट आप उसके पीसेस बनाना चाह रहे हैं। अब आपने जब तक कुल्हाड़े को यूं पकड़ा हुआ है, अब आप ये क्या कर रहे हो, आप उसके अंदर एनर्जी स्टोर कर रहे हो, ये आपने उसके अंदर एनर्जी स्टोर की, एंड देन आप जब उसको छोड़ते हो, रिलीज करते हो, इट हिट यू अ टारगेट एरिया, क्लियर, जो कुल्हाड़ा होता है वो आपके टारगेट एरिया को हिट करता है, एंड देन वो जो कुल्हाड़ा होता है वो अपनी जगह से ऊपर क्यों नहीं आता, कभी सोचा आपने? आपने तो एक दफा उठाया फिर वापस रखा, अब उसके बाद से वो हिला नहीं है। अब यहां एक ऑब्जर्वेशन है, जब आपने उसको उठाया तो जितनी एनर्जी आपने टेक इन की थी उसके अंदर, उसके बराबर का वर्क किया, कितना वर्क किया टू टारगेट योर एरिया, आपके एनर्जी के बराबर आपने वर्क ले लिया। अब वो सारी एनर्जी जो स्टोर करती है वर्क की फॉर्म में उसने यूज कर दी, यूटिलाइज कर दी, जब वो एनर्जी यूज अब होगी, अब वो कुल्हाड़ा बिल्कुल स्टेशनरी वुडन पीस के ऊपर पड़ा हुआ खुद से काम नहीं कर रहा। खुद से नेक्स्ट टाइम काम करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट एनर्जी टेक इन करनी पड़ेगी, फिर नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट स्ट्राइक, फिर उठाया, फिर आपने एनर्जी स्टोर की, फिर उसमें काम करने की सलाहियत आई। अब ये मोशन जो प्रोड्यूस हो रहा है कहां से, टू स्टोर योर एनर्जी, फर्स्ट यू टेक द एनर्जी इन द बॉडी, टारगेट एरिया को हिट किया, किससे, काम आपने लिया, एबिलिटी आई काम करने की बॉडी में टेक इन करने के बाद, ठीक है, और कितनी एबिलिटी आई, कितना बार किया, जितनी आपने एनर्जी टेक इन की थी। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि किसी बॉडी के अंदर कितना काम हम उसे ले सकते हैं, स्टूडेंट्स, जितनी एनर्जी आप उसके अंदर टेक इन करते हैं उसके बराबर का उसमें एबिलिटी आता है काम करने का। जब उतनी अमाउंट की एनर्जी बॉडी यूज कर लेता है, उतनी अमाउंट की एनर्जी बॉडी यूज कर लेता है, एंड देन क्या हो जाता है, देन आपके पास नेक्स्ट आपको एनर्जी उसमें टेक इन करनी पड़ती है, ठीक है। बिल्कुल ऐसी जैसे पेट्रोल आपके बाइक का, आपके ऑटोमोबाइल व्हीकल्स का, जब आप 1 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर डालते हैं, उसके बराबर का फ्यूल के बर्निंग के बाद आप जब उसे काम लेते हो, तो उसके बराबर की काइनेटिक एनर्जी जब वो यूज कर लेता है वर्क करते हुए, देन आपको नेक्स्ट एंड करनी पड़ती है फ्यूल अगेन, आप उसको स्टेशन से फिलिंग करनी पड़ती है, एंड देन नेक्स्ट वर्किंग करता है, ठीक है। तो ये था एक प्री कंसेप्ट बिफोर स्टार्ट डेरिवेशंस कि काइनेटिक एनर्जी कैसे रनिंग ऑब्जेक्ट्स में आती है, और हम उस रनिंग ऑब्जेक्ट में एनर्जी टेक एंड करते हैं, मोशन प्रोड्यूस करते हैं, और वो मोशन जो आता है
वो वर्क से आता है, क्योंकि वर्क के बारे में क्या सीखा है तुमने, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, प्रोडक्ट फोर्स का और डिस्टेंस का प्रोडक्ट। अब ये जो फोर्स लगाता है वो तुम्हारे एनर्जी पोजेस्ट करवाने के बाद लगाता है बॉडी के ऊपर, और बॉडी डिस्टेंस कवर करता है थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस। बॉडी ना तो अपने आप से फोर्स लगा सकता है ना अपने आप से डिस्टेंस कवर कर सकता है। जब आप एनर्जी टेकन करते हो तो वहां पे फोर्स लगती है, डिस्टेंस कवर होता है कितना, बिल्कुल उसी अमाउंट के बराबर जितनी आप उसके अंदर एनर्जी को एंड करते हो। एनर्जी टेक एंड, टेक एंड एनर्जी के बराबर क्या होता है उसके अंदर एबिलिटी आता है काम करने का। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट डेरिवेशन। अब कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस के लिए पहले हम एक केस बना लेते हैं यहाँ पे, एंड देन हम उसकी फिजिक्स को साथ साथ डिस्क्राइब करते जाएंगे और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ओके, जी स्टूडेंट्स, अब देखिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास सपोज करें एक बॉल है और वो किसी पोजीशन ए के ऊपर पड़ा हुआ, क्लियर। और हम क्या करना चाहते हैं, हम इस बॉल को इस पोजीशन बी की तरफ लाना चाहते हैं, पोजीशन बी की तरफ लाना चाहते हैं, और हमने क्या करना है इस बॉल को अंदर मोशन प्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। क्योंकि हम मोशन प्रोड्यूस करने के लिए हम इसके अंदर एनर्जी टेकिंग करेंगे, देन इसके अंदर वर्क करने का एबिलिटी आएगा। क्योंकि मोशन इज वर्क, मोशन इज द वर्क, फोर्स लगेगी तो ये डिस्टेंस कवर करेगा किस चीज में, फोर्स कैसी लगेगी एनर्जी को टेकिंग करने के बाद। बिल्कुल ऐसी जैसे आप अपने हाथ पांव अपने जिस्म के अज़ा पे लगाते हैं, एनर्जी आपने टेकिंग की होती है फूड्स की सूरत में, खाने की सूरत में, ऐसी ही ये जो बॉल है ये एनर्जी टेकन करेगा पोजीशन ए के ऊपर, कहां तक पहुंचने के लिए, इस बी तक पहुंचने के लिए, ठीक है। अब जब ये एनर्जी टेकन कर लेता है, सपोज किया कि आपने इसके अंदर एनर्जी टेकन करवा दी, ठीक है। अब आप फील करें कि यहां पे दो चीजें मौजूद है स्टूडेंट्स, विच वन, द फर्स्ट वन इज एयर रेजिस्टेंस, सिर्फ एयर रेजिस्टेंस नहीं, एयर रेजिस्टेंस को आप एयर फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। रेजिस्टेंस कहते हो कि जैसे बॉडी आप मेरी तरफ आना चाहता है, हवा का रुख इस तरफ है, अब पार्टिकल्स क्या करेंगे, बॉडी ऐसे आना चाहता है, पार्टिकल उसके मोशन को रेजिस्ट करेंगे, अपोज करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, पार्टिकल ऐसे आएगा जो एयर के पार्टिकल उसको उस तरफ अपोज करेंगे, क्लियर। अब सेकेंड जो होगी, लाजमी सी बात है, इस बॉल का जो ये बॉटम सरफेस है और ये जब अर्थ के बॉटम सरफेस के साथ हिट होगा, इसमें से मोशन प्रोड्यूस होगा, तो क्या होगा, यहां भी इसके बॉटम सरफेस और इसके अप सरफेस में एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा मूव करते हुए, कहां से कहां तक, यहां से बी की तरफ मूव करते हुए यहां फ्रिक्शन भी प्रोड्यूस होगा, एंड देन एयर रेजिस्टेंस भी यहां पाई जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे ये मूव करेगा, ठीक है, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे ये मूव करेगा, लाजमी सी बात है इसकी मोशन जो है वो अपोज की जाएगी, इसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगेगी, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लगाएगी इसके ऊपर अपोजिंग फोर्स इसके मोशन को रेजिस्ट करेगा इस डायरेक्शन में, और सेकेंड एयर रेजिस्टेंस भी इसको इस डायरेक्शन में अपोज करेगी। तो हम कह सकते हैं कि यहां जब इस पोजीशन ए पे होगा तो इसके पास होगी कोई इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ठीक है, जिसके साथ ये मूव करता हुआ आगे आएगा, ठीक है। जब टाइम गुजरेगा स्टूडेंट्स, तो जितनी एनर्जी तुमने इसमें टेक इन की थी ऑलमोस्ट बी तक पहुंचते हुए, ये उतनी ही एनर्जी क्या कर लेगा, यूज कर लेगा, इन अदर वर्ड उतना वर्क डन कर लेगा ए से बी तक। वाई आगे क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि एयर फ्रिक्शंस और फ्रिक्शन जो है बिटवीन द बॉटम एंड टॉप सरफेस ऑफ अर्थ, यहां इसके मोशन को अपोज किया जाएगा और इसके वेलोसिटी को जीरो किया जाएगा, इसके मोशन को ग्रेजुअली अपोज किया जाएगा, और टाइम के साथ साथ बी पे क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी।
तो बिल्कुल यहां पे जब ये पहुंच जाएगा, ठीक है, इसके पास कोई न्यू वेलोसिटी होगी जिसको हम टर्म्स के साथ करेंगे vf के साथ, और बी पोजीशन पे चूंकि ये कंप्लीटली एट विल कम टू रेस्ट, यहां पे इट विल कम टू रेस्ट। व्हाई इट कम टू रेस्ट? बिकॉज जितने एनर्जी इसने टेकन की थी उतनी एनर्जी का वर्क ने यूटिलाइज कर दिया बाय ब्रिंगिंग दिस बॉडी फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, टेकन के इक्वल इसने वर्क कर दिया। बट वो वर्क डन, अब ऐसा थोड़ा ही है कि जब आपने एक दफा इसको एनर्जी टेकन की और ये चलता रहेगा। नो स्टूडेंट्स, इसकी मिसाल बिल्कुल क्रिकेट में उस ग्राउंड के अंदर उस बॉल की सी है जब उसको बैट्समैन हिट करता है, आफ्टर सम टाइम दिस बॉल इज स्टॉप नियर द बाउंड्री, बाउंड्री के करीब तरीन कहीं रुक जाता है। क्यों रुकता है? ड्यू टू अपोजिंग फोर्स जो उस पर लग रही होती है, बिल्कुल ऐसी वाली फ्रैक्शन जो अर्थ के साथ टप्पे खाते हुए वो रगड़ता है तो फ्रैक्शन प्रोड्यूस होती है, उसकी मोशन को अपोज किया जाता है और एयर फ्रैक्शन उसके मोशन को ग्रेजुअली जीरो पे लाने की कोशिश करता है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो उसकी न्यू वेलोसिटी होगी दैट विल बी जीरो ऑलमोस्ट। केस तो आप लोग सब समझ के होंगे कि हमने क्या किया, एनर्जी टेकन किया और एनर्जी टेकन करते हुए पोजीशन ए से बी तक के अंदर इसने वर्क किया एंड दिस वर्क इज यूज्ड अप हाउ मच, जितने हमने इसमें एनर्जी टेकन की थी और जो ए से बी तक हमने इसको लेकर आया। तो हम ये कह सकते हैं कि इसने कितना वर्क किया, बिल्कुल एग्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी के इक्वल इसने वर्क किया। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी वो शॉर्टकट में के डॉट ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। के डॉट ई इज अ शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, के फॉर काइनेटिक, ई फॉर एनर्जी, क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ये किसके बराबर होगा, इसके अंदर जो आपने एनर्जी टेकन की है, टेकन की है तो ऑब्वियसली क्या है इसमें एबिलिटी आई ना काम करने का, इसने काम किया, इसने इस एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट और जो फ्रिक्शन लग रही थी उसके अगेंस्ट इसने काम किया, इस बॉल को पोजीशन ए से पोजीशन बी तक लाने कितना काम किया होगा, जितना इस बॉडी पे तुमने एनर्जी पोजेस्ट करवाया होगा इसके मोशन के लिए, और मोशन में क्या होता है फोर्स डिस्टेंस। तो मैं कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है, क्लियर। और वर्क डन स्टूडेंट्स कैसा, वर्क डन फॉर इट्स मोशन, वर्क डन ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन। सो स्टूडेंट्स आई कैन राइट के डॉट ई बराबर है कंप्लीटली किस चीज के, डब्ल्यू के बराबर, ठीक है, क्योंकि जितना आपने इसको एनर्जी पोजेस्ड बाय योर बॉडी, लुक एट दैट टू टर्ड्स मोशन। और ये मोशन आप किस फॉर्म में इसे ले रहे हैं, आप ए वर्क की फॉर्म में तो इसे ले रहे हैं, एफ डॉट एस का प्रोडक्ट फोर्स इसके, आप ये अपोज लग रहा है आप इससे भी तो फोर्स लगेगा, क्या ख्याल है, इस फ्रैक्शन के या इस ए रेजिस्टेंस के अगेंस्ट फोर्स लगेगा और ये डिस्टेंस करेगा ए से बी तक, और वो फोर्स ये है जो इस साइड पे लगेगा और इसी साइड पे बॉल ए से बी तक क्या करेगा डिस्प्लेस करेगा, क्लियर। तो हम नेक्स्ट लिख सकते हैं कि जब ये बॉल पोजीशन ए पे था, जब हमने इसके अंदर एनर्जी पोजेस्ट करवा दी, टेकन कर दी, जब इसमें मोशन प्रोड्यूस होगी तब इसकी कोई थी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ठीक है स्टूडेंट्स हम इसको वी आई कह देते हैं, ठीक है, ये इसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी मौजूद थी, ठीक है। ऑब्वियसली इनिशियली हमने जब हल्का सा इसको एनर्जी दिया तो जिस वेलोसिटी से इसमें मोशन आया वो वेलोसिटी वी आई थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम
एयर रेजिस्टेंस और इस अपोजिंग फोर्सेस ने क्या किया, इसके मोशन को अपोज करते हुए इसकी वेलोसिटी को जीरो कर दिया, तभी तो ये डी पोजीशन पे क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। और ये वो पोजीशन होगी जब ये सारा वर्जन कर चुका होगा, यानी जितने कैनेटिक एनर्जी इसमें एम किए थे वो यूज कर चुका होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो सारे जो है बी पोजीशन पे सारे के सारे जीरो हो चुकी होगी। क्लियर, क्या हो चुकी होगी, दैट विल बी जीरो। क्लियर, अब आगे हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। हमने कह दिया कि टेकन के इक्वल इसने वार्डन किया, और इसके अलावा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वी आई आ गया और फाइनल वेलोसिटी जो है दैट इज वी। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। अब देखो लाजमी सी बात है, जब आपके ऊपर दो अपोजिंग फोर्सेस लगेंगी तो तुम उसके ऊपर फोर्स लगाओगे। अब जब तुम फोर्स लगाओगे तो लाजमी सी बात है ये एक्सेलरेट होगा। क्या होगा, ये जो मास है इस बॉल का कुछ ना कुछ मास होगा जो कि एक्सेलरेट होगा। दैट्स व्हाई हम अगर इस पे न्यूटन की लॉ लगाए तो पता चलता है कि इन दो अपोजिंग फोर्सेस के अगेंस्ट ये बॉल जब एक्सेलरेट होगा तो उसके लिए न्यूटन लॉ कुछ ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। क्लियर, तो यहां से अगर मैं बात करूं आफ्टर सम टाइम बी पोजिशन पे पहुंचते हुए इसके अंदर एक डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स। व्हाई, जाहिर सी बात है जब फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस इसकी मोशंस को अपोज करेंगे तो ये डी एक्सेलरेट होगा, यानी इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी क्योंकि इसका जो स्पीड है टाइम के साथ साथ क्या हो रहा होगा, डिक्रीज। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, जब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज करता है दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब टाइम के साथ साथ इसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा जो कि इस केस में हो रहा है किस वजह से, एयर फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वजह से, तो हम ये कह सकते हैं यहां जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी दैट विल बी नेगेटिव एक्सेलरेशन। और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं या फिर रिटार्डेशन का नाम भी देते हैं। सो दैट्स व्हाई अगर मैं इस केस में एक्सेलरेशन को एक्सप्रेस करूं तो मेरे पास यहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन की फॉर्म में इसको लिखूंगा मैं माइनस एफ बाई ए, यानी ये नेगेटिव साइन क्या बतला रहा है कि इस बॉडी के अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, रिटार्ड होगा क्योंकि टाइम के साथ साथ इसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। दैट्स व्हाई ए इज इक्वल टू माइनस एफ बाई एम। क्लियर, अब स्टूडेंट्स हम इस केस को पूरा जो केस है इसको सॉल्व करने के लिए न्यूटन का थर्ड लॉ यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, ये 2as v स्क्वायर माइनस v i स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर हमारे इस केस के अकॉर्डिंग जो जो वैल्यूज आपने निकाली थी जो जस्ट उसको पुट कर देना है उस जगह पे। हमारी वेलोसिटी रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से क्या हो चुकी थी, बी पोजीशन पे जीरो हो चुकी थी, पुट जीरो हियर। जब बॉडी को एनर्जी टेकन की थी तो बॉडी किसी इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ जा रहा था, और जब बॉडी रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से स्टॉप किया तो उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता वो नेगेटिव एक्सेलरेशन था जो कि माइनस एफ बाई एम के बराबर था। मैंने क्या किया, इस एफ का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जस्ट एफ के नीचे एम पे डिवाइड कर दिया और मेरे पास ए इक्वल टू माइनस एफ बाई एम आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई एम गोइंग to putting these all values in third equation of motion. Look at that. यहां पे मैं कह सकता हूं 2 into minus f by m s as it is आएगा। Final last में मेरा 0 हो चुका था, यहां पे पहुंचते पहुंचते put 0
इनिशियल वेलोसिटी कोई भी वेलोसिटी है जिससे मैंने जब एनर्जी स्टार्ट में इसको टेकन करवाई थी जिसके साथ मूव हो रहा था वो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है। सो पुट एज इट इज वी आई स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हुए मेरे पास क्या आएगा माइनस टू एफ एस बाई एम जीरो का स्क्वायर तो फिनिश यहां पे क्या चीज रह जाएगी माइनस बी आई यानी यहां पे चूंकि कोई इनिशियल वेलोसिटी थी मेरे पास मैं इसको वी नहीं कह सकता हूं यानी जिस वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा था उस इनिशियल वेलोसिटी को हम वी भी कह लेते हैं तो यहां पे वी आई को मैं वी से रिप्लेस कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी वो जब ये जा रहा था एनर्जी टेकन करने के बाद उस इनिशियल वेलोसिटी को मैंने वी ले लिया कोई वेलोसिटी थी जिसको पहले हमने इनिशियल कहा था और अब हमने उसको भी है तो वो वेलोसिटी। क्लियर? ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से होता है कैंसल। अब यहां पे आपने थोड़ा सा मैथमेटिक्स को देखना है एम जो है इस पे डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? और टू जो है एफ एस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो द होल इक्वेशन विल बिकम एफ एस इक्वल टू वन और टू एम वी स्क्वायर। अगेन हम देखते हैं कि एफ एस किसके बराबर है। एफ एस तो यहां पे क्या है एफ एस तो यहां पे वर्क डन है। अब इस बॉडी ने कितना वर्क डन किया इस बॉल में इस बी तक पहुंचने के लिए जितने इसमें एनर्जी टेकन की थी तो क्या करें स्टूडेंट्स मैं इस पूरे प्रोसेस का वर्क डन एफ एस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पुट कर सकता हूं क्योंकि एनर्जी जो पोजेस्ट की थी इस बॉल के अंदर उतने ही अमाउंट का इसने क्या किया वर्क डन किया और जब बी तक पहुंचा तो सारी काइनेटिक एनर्जी यूज कर चुका था उसी वर्क डन के इक्वल। तो मैं यहां पे एफ एस को पुट कर देता हूं किसके बराबर काइनेटिक एनर्जी के बराबर। सो आई कैन राइट फाइनली k dot e half mv square। ये थी स्टूडेंट्स आपकी काइनेटिक एनर्जी जो कि किसी भी बॉडी का जब मोशन आता है किसी ऑब्जेक्ट के दरमियान जब मोशन आता है उसमें जो है वो ये पाई जाती है मोशन प्रोड्यूस करवाने के लिए ऑब्जेक्ट्स में टेकन एज अ टेकन इनपुट के तौर पे दी जाती है वर्क डन देने के लिए मोशन की फॉर्म में। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की डेरिवेशंस की बात कर ली कि काइनेटिक एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। चलिए स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं फैक्टर्स की। देखिए फॉर्मूला तो हमने देख लिया इसका डिराइव भी कर लिया तो अब बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर है किस चीज के k डॉट e K.D stand for kinetic energy। अब kinetic energy बराबर है किस चीज के half mv square। So हम इसी formula से elaborate करते हैं कि किन किन factors पे depend करता है। The first one is mass of a moving object, mass of moving object। So, the second factor, friends, velocity. This one is velocity, this one is mass. इसलिए जो मैंने first factor लिखा वो इसका mass होगा और इसका जो second factor होगा that will be a velocity. So, velocity of an object. Velocity of an object. Two factors. देखें अगर मैं फर्स्ट फैक्टर की बात करूं मैं तीन बॉल्स आपके सामने बनाता हूं इसको एलिब्रेट करते हैं फर्स्ट फैक्टर को कि कैसे काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। देखो अगर मैंने एक छोटा बॉल लिया है से एक बड़ा बॉल लिया है फिर इससे एक क्या बड़ा बॉल लिया है सपोज कर रहे हैं 2 kg 10 kg एंड 30 kg
क्या तीनों बॉल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी सेम होगी? द आंसर इज नो। तीनों बॉल्स के अंदर, तीनों केसेस के अंदर वर्क डन डिफरेंट होगा। कैसे? बड़ा बॉल है, हैवी मैस है, ज्यादा फोर्स लगेगी, इट विल नीड अ हाई मच फोर्स। सो लार्जर फोर्स, लार्जर वर्क डन लगेगा। अगर लार्जर वर्क डन लगेगा तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी टेकन करवानी पड़ेगी बॉडी के अंदर। तो इस बॉल के अंदर सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी टेकन करवाना पड़ेगा आपको 30 केजी की वजह से, और इस बॉल के अंदर इस वाले बॉल से कम टेकन करवानी पड़ेगी, और इस बॉल के अंदर इन दोनों बॉलों से सबसे कम टेकन एनर्जी करवानी पड़ेगी। क्यों? Why? Because kinetic energy is depend on the mass. Heavier the mass of an object, larger will be the energy taken in their body. To get a large work done, आपने ज्यादा काम लेना है तो ज्यादा काम के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। आप ज्यादा होमवर्क करने के लिए, बहुत अच्छा पढ़ने के लिए पेरेंट्स से क्या कहते हो, अच्छा खिलाओ, अच्छा पिलाओ, ज्यादा एनर्जी लेना चाहते हैं ताकि आप खुशबाश और एनर्जेटिक रहें और ज्यादा काम करें। सेम ये वाला बॉल हैवियर है, मैक्सिस का बड़ा, इट विल टेक अ लार्ज एनर्जी टू गेट अ लार्ज वर्क डन। इस 30 केजी को जब आप पांव से हिट करोगे, आप हाथ से भी फेंकोगे, आपके हाथ के मसल्स को भी पता चलेगा कि आपने इतने बड़े बॉल को फेंक रहे हैं, बिकॉज हैवी मास नीड हैवी एनर्जी पोजेस्ड। क्लियर? इस बॉल को तो तुम तसल्ली से ठक करके फेंकोगे, इसको भी शायद इसकी नस्बत पर, इसकी नस्बत एनर्जी ज्यादा लेगा, थोड़ा एहतियात से इसको तो इंतहाई एहतियात से, 30 kg इज वेरी हैवी एनर्जी। So it will take a large energy to get a large work. Okay. So heavier the mass of objects, larger will be the kinetic energy. The second case, students, velocity जो है, चूंकि हमारे पास kinetic energy का first factor आया, greater the mass of an object, greater the energy taken, and that object, larger will be the work done. The first case. The second one, kinetic energy depend करता है velocity के ऊपर, but इसके square के बराबर। तुम देखो, अगर तुम mass को double करते हो तो kinetic energy भी double होगा। तो क्या velocity को double करने से सिर्फ kinetic energy double होगा? No, kinetic energy 4 times increase करेगा। कैसे? Just put 2 in place of v. When you put 2 in place of V, you will get 4. यानि आपका kinetic energy 4 times increase करेगा। कितने times? 4 times increase करेगा। कितने previous days से 4 times increase कर सकते into the square? Clear? So हम ये कह सकते हैं कि velocity का जो effect है kinetic energy के लिए वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है due to this square. स्क्वायर के अंदर जब आप वैल्यू पुट करते हो तो वो डबल हो जाता है, यानी काइनेटिक एनर्जी भी दुगना हो जाती है किसी चीज की, किसी ऑब्जेक्ट्स की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लाइट यानी मेहरान की गाड़ी है जिसका मास कम है, और दूसरी जगह पे एक ट्रक है आपके पास, ठीक है, एक मेहरान की गाड़ी है जो कि बहुत छोटी है, ठीक है, और दूसरी जानब एक कंप्लीटली एक हैवियर बॉडी है। अब लाजमी सी बात है, इसका मास बड़ा है, इसका मास छोटा है, बट अगर स्पीड देखी जाए, ये बड़ी वेलोसिटी के साथ मूव करता है, ड्यू टू हैवियर मास इसकी स्पीड या वेलोसिटी कम होती है, ठीक है, इसकी स्पीड या वेलोसिटी कम होती है। लेकिन अगर आप काइनेटिक एनर्जी देखें तो कार की इस केस में जो है वेलोसिटी के फैक्टर की वजह से ज़्यादा होगी, ठीक है, और ट्रक की भी काइनेटिक एनर्जी इसके मास की वजह से ज़्यादा होगी, हैवियर मास की वजह से। इसलिए जब ट्रक अपने मोशन में चलता है तो उसके पास बड़ी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि ट्रक का मास बड़ा है, तो बड़े ट्रक को चलाने के लिए लार्जर वर्क डन चाहिए होता है।
तो लार्जर मैटर जाने के लिए लार्ज काइनेटिक एनर्जी टेक इन करेगा, ये कम काइनेटिक एनर्जी टेक इन करेगा। इसलिए बड़ी गाड़ियों में तुम लोग व्हीकल्स में डीजल डालते हो पेट्रोल के बजाय, क्यों? वहां तुमने लार्ज वर्क डन करना होता है। इवन के जो आप शेजोर चलाते हैं लोडिंग के लिए जो आप यूज करते हैं, इसमें आप क्यों डीजल डालते हैं? टू गेट लार्ज वर्क डन, ठीक है? तो जो इसमें एनर्जी टेकन करते हैं वो डीजल की फॉर्म में टेकन करते हैं ताकि वो एनर्जेटिक रखे, उसकी एफिशिएंसी ठीक रहे और लोडिंग को टारगेट एरिया तक पिक एंड ड्रॉप अच्छी तरह कर सके। सिमिलरली जो ट्रक है वो हैवियर मैस है, दैट्स व्हाई इट नीड्स अ लार्ज एनर्जी सोर्स, आल्सो नीड अ डीजल टाइप फ्यूल्स। सो दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा लगेगी और इस केस में काइनेटिक एनर्जी कम लगेगी। होप सो स्टूडेंट्स ये सारे अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स आपको हमेशा के लिए अब याद रहेगा कि काइनेटिक एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी कैसे बॉडीज के अंदर पाया जाता है, हर वो बॉडी के अंदर पाया जाता है, अस पार्टिकल्स, गैसेस पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल, लिक्विड पार्टिकल, दे आर इन मोशन, सो दे आर हैव अ काइनेटिक एनर्जी। वी आर इन रनिंग, वी आर इन मोशन, सो वी हैव अ काइनेटिक एनर्जी। हर चीज आपके सराउंडिंग में जो आपके रिस्पेक्ट से मूव कर रही है, दैट हैव अ काइनेटिक एनर्जी। So, students, hopefully you understand. Once again, at the end of a lecture, मैं आपसे कहूँगा, enjoy physics because it's so easy. आप concepts के साथ सीखने की कोशिश करें, physics से easy कोई subject नहीं है, लेकिन अगर आप रट्टा मारेंगे तो physics से मुश्किल कोई subject नहीं है। Stay tuned, enjoy physics like that. Potential energy के topic में मिलते हैं। Thank you.